हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी बस्ती फाइनल ईयर। और इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेजेस के 31 मेडिकल कॉलेजेस जो यूपी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आते हैं, उनके कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, कॉलेज में फीस कितनी है और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जितनी भी कैटेगरीज हैं और सारी की सारी कैटेगरीज की सब कैटेगरीज, जैसे अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में भी आपकी 5-6 सब कैटेगरीज आ जाती है। एक ओपन होता है, एक गर्ल होता है, एक आपका एक सर्विसमैन होता है, एक एनसीसी होता है, एक पीएच कोटा होता है, तो ये और फ्रीडम फाइटर होता है। तो ये जो 6 सब कैटेगरीज है एक कैटेगरी के अंदर, उन सब की हर एक राउंड की क्या कट ऑफ गई हुई थी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्ट्रे राउंड या स्पेशल स्ट्रे राउंड। तो उत्तर प्रदेश लास्ट ईयर 2023 की काउंसलिंग का सारा डाटा एक जगह पे आपको अवेलेबल है। मैं आपको यही बताऊंगा कि डाटा आप कहां से ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज उत्तर प्रदेश का आता है आपका केजीएमसी लखनऊ। 1911 में एस्टैब्लिश हुआ है, 250 सीट्स हैं टोटल कॉलेज में, जिसमें से 210 सीट्स आती हैं आपकी यूपी स्टेट काउंसलिंग के अंदर। 54,600 इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है। और यहाँ पे आप देख पाओगे पूरा का पूरा डाटा। फर्स्ट राउंड आप देखोगे जनरल ओपन की अगर बात कर लूँ तो 670 मार्क्स पर, पता नहीं आपको विजिबल है कि नहीं, चलिए अगर विजिबल नहीं भी होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डाटा है तो विजिबल अगर नहीं भी होगा तो ये आपको डाटा एक्सेसिबल है, ये मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ मिलेगा। तो 670 मार्क्स पर फर्स्ट राउंड पे था 2849, सेकंड राउंड पे 2948, थोड़ा सा मतलब शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा था, ठीक है। और उसके अलावा ओपन कैटेगरी में उसके बाद ना मॉपअप में सीट्स बची, ना स्ट्रे में, ना स्पेशल स्ट्रे में। तो ऐसे ही ओपन का, गर्ल्स का, एक सर्विसमैन का, फ्रीडम फाइटर का, पीएच का और एनसीसी कोटा का, यूआर कितना डेटा है, फिर उसके बाद आपका बीसी यानी कि ओबीसी कैटेगरी का है, फिर आपका एससी का है और फिर उसके बाद आपका एसटी कैटेगरी का है। तो ये पूरा का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो स्टेट काउंसलिंग में 30,000 की सिक्योरिटी मनी होती है, और पहले राउंड में ही अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो वहीं पे आपकी 30,000 की सिक्योरिटी मनी जो है वो फोरफिट हो जाती है। यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग की तरह उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट नहीं होता है। ऐसे में अगर किसी कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग करवानी है, अगर मान लो उसके ठीक ठाक मार्क्स हैं, अगर मान लो किसी स्टूडेंट के 640 मार्क्स हैं और वो अपनी पॉसिबिलिटीज ऑल इंडिया में भी एक्सप्लोर करना चाहता है और स्टेट काउंसलिंग में भी एक्सप्लोर करना चाहता है फॉर गेटिंग अ बेटर कॉलेज, तो उसका एक तरीका, सिंपल सा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कैंडिडेट अगर मान लो उसके 640 स्कोर आ रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, वैसे में क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, आप सारे के सारे चॉइसेस फिल कर दीजिए। कोई भी कॉलेज अगर अलॉट होता है तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है फर्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद आपकी उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग होगी। फर्स्ट राउंड की उत्तर प्रदेश के चॉइस फिलिंग में बहुत सेलेक्टेड कॉलेजेस डालिए, मैं ये कहूंगा कम कॉलेजेस डालिए, टॉप मोस्ट कॉलेजेस डालिए, स्टार्टिंग के 10-12 मेडिकल कॉलेजेस फिल कर दीजिए। अगर उनमें से कोई कॉलेज अलॉट होता है तो डेफिनेटली हम उसको ले लेंगे, नहीं अलॉट होता है तो हम इजिली सेकंड राउंड में वहां से जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होगा। ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में लिस्ट स्पेसिफिक बनाइए, स्टेट्स को सेलेक्ट करिए कि किन स्टेट्स में मैं जा सकता हूँ, उन स्टेट्स के किन किन कॉलेजेस में मैं जा सकता हूँ, उन सारे कॉलेजेस की एक सेलेक्टेड लिस्ट बनाइए। कंसीडरिंग कि उत्तर प्रदेश का फर्स्ट राउंड का जो भी रिजल्ट आया होगा उसके हिसाब से आपको सेकेंड राउंड में कौन कौन से कॉलेजेस मिलने के चांस है उत्तर प्रदेश में, यह आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा और फिर ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड की लिस्ट आपकी उसी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। फिर आपको डिसाइड करना होगा कि ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड से लेना है या फिर उत्तर प्रदेश के सेकेंड राउंड से लेना है। तो ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड की लिस्ट को सजेस्ट बहुत ही सेलेक्टेड बनाइए, छोटी लिस्ट बनाइए, उनमें से अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप उस कॉलेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर छोड़ते हो तो वहां पर 10,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा। लेट्स से आपको सेकंड राउंड में उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया काउंसलिंग से आपको कोई एक बेटर कॉलेज था, अच्छा कॉलेज था, आप चाहते थे, आपको मिल गया। अगर नहीं मिला, आपकी लिस्ट छोटी थी, हो सकता है अलॉट नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश का सेकंड राउंड का स्टेट काउंसलिंग जो है वो आपके लिए अभी खाली है। गलती से अगर मान लो यहाँ पे कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि आपको लिस्ट बहुत सेलेक्टेड रखनी है, अगर हो भी जाता है आप उस सीट को छोड़ सकते हो, ठीक है, 10,000 रुपए का वहां पे लॉस होगा और उत्तर प्रदेश की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके यहां से एक बेहतर कॉलेज जो है वो उठा सकते हो। इसके बाद दूसरा कॉलेज आपका आ जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, 200 टोटल सीट्स है इसमें, जिसको 170 सीट्स आती हैं आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग में। इसका भी सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, थोड़ा सा डाटा अगले पेज में भी गया है, तो यहाँ तक आरएमएल का डाटा चल रहा है। फिर थर्ड नंबर पे आपका जीएसवीएम कानपुर आता है। अब ये कन्फ्लिक्ट है कि आरएमएल को आप ऊपर रखो या जीएसवीएम को ऊपर रखो। अगर मेरा सजेशन मांगोगे तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि जीएसवीएम कानपुर को आपको यूपी में सेकंड नंबर पर रखना चाहिए। जीएसवीएम कानपुर इज अ फार बेटर कॉलेज एज कम्पेयर टू आरएमएल लखनऊ। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी कॉलेज को नहीं बनाता है, आरएमएल लखनऊ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो
आपको एमबीबीएस में जाने के बाद उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हो सकता है आपको रिग्रेट करना पड़े इस डिसीजन को। थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आरएमएल लखनऊ में मेरे काफी बैचमेट्स पढ़ रहे हैं, सीनियर्स पढ़ रहे हैं। कॉलेज का जो सबसे बड़ा इशू है वो अटेंडेंस का। इवन इफ 74.5% अटेंडेंस भी अगर किसी कैंडिडेट को होती है तो वो उसको एग्जामिनेशन से डिबार कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप आरएमएल लखनऊ में ले रहे हो तो वहां पे एकेडमिक्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत अटेंडेंस आपकी मिस हो सकती है, ठीक है, तो फिर आरएमएल लखनऊ को कंसिडर ना करें। उसके अलावा भी और कुछ दिक्कतें हैं जो बेसिकली वीडियो पे डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी उत्तर प्रदेश की स्टेट कोटा में एक कॉलेज के थ्रू मैं पढ़ रहा हूँ, तो कुछ प्रोफेसर्स के थ्रू पास अगर ये वीडियो चली जाती है तो डेफिनेटली मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। तो इस वजह से आरएमएल लखनऊ कॉलेजेस में थोड़े बहुत इश्यूज हैं कॉलेज के लेवल पर। लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था आपको मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे आरएमएल लखनऊ के स्टूडेंट्स में कई स्टूडेंट्स ऐसे थे फाइनल ईयर के जिनको पीजी में क्वालिफाइड था या पीजी में उनकी अच्छी रैंक थी, पीजी में उनको सीट मिल रहा था, बट कॉलेज से उनका रिजल्ट जो था फाइनल ईयर का वही अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाया था, प्रोसेस में अटका हुआ था, जिसके लिए बहुत दिन तक बच्चों ने वहाँ पे हड़ताल किया, स्ट्राइक किया। तो ये सारे इंसिडेंसेस हुए। तो ये सारी चीज़ें आरएमएल में है जो कॉन्स्टेंट इशूज़ का कॉन्स्टेंट इशूज वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पे जीएसवीएम एक थोड़ा सा बेटर कॉलेज वहाँ पे निकल के आता है अगर आप आरएमएल या उसको कंपेयर करें। और दूसरी बात ये भी है कि आपका पर्सनल चॉइस होता है। तो जीएसवीएम कानपुर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है, इसके बाद आपका मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है प्रयागराज में, देन आपका फिफ्थ नंबर पे आप झांसी को रख सकते हो या मेरठ को रख सकते हो। मेरठ को रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, झांसी के हॉस्टल वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद आप जिम्स नोएडा को नीचे रखो, आगरा को डेफिनेटली ऊपर रखो, जिम्स नोएडा को नीचे रखो। ये जो पूरी की पूरी डाटा है ये आपका रैंक के हिसाब से है कि लास्ट ईयर किस रैंक पे बच्चों ने किसको चूज किया है। बट एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज है एज कम्पेयर टू जिम्स नोएडा, ठीक है। जिम्स नोएडा बहुत नीचे आएगा, ठीक है, बीआरडी के भी नीचे आना चाहिए, बट नोएडा सिर्फ सिटी लोकेशन के हिसाब से लोग जो उसको ऊपर रखते हैं। फिर उसके बाद आपका बीआरडी गोरखपुर आ जाएगा, देन आपका सफाई का मेडिकल कॉलेज, देन आपका सहारनपुर है, इसके बाद आपका कन्नौज का है, अम्बेडकर नगर है, इसके बाद फिर आपका जालौन है, देन आजमगढ़ है, उसके बाद बदायूं है, देन आपके ये बदायूं से आपके 2019 कॉलेज स्टार्ट हो गए, बदायूं, फिरोजाबाद, ठीक है, बांदा हो गया, बांदा 2016 का है पुराना कॉलेज है, शाहजहांपुर 2019, इसके बाद बस्ती मेरा कॉलेज 2019, बहराइच, ठीक है, 2019। अब इसके बाद आपके यहाँ से स्टार्ट हो गए 2021 के कॉलेजेस, एटा हो गया, बरिया हो गया, हरदोई हो गया, फतेहपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, मिर्जापुर हो गया, जौनपुर हो गया, और सबसे लास्ट में आपका गाजीपुर आएगा। अब अगर बात कर लें कि इस साल की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बताया हुआ है कि 30 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इस साल ऐड हो रहे हैं। डेफिनेटली कन्फर्म है कि 30 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इस साल उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं ये? सोनभद्र है आपका, पीलीभीत है, कानपुर देहात है, इसके अलावा ये आपका है प्रतापगढ़ में। तो ऐसे करके 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सारे के सारे टीयर 3 सिटीज में हैं, नए कॉलेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका रेडी है, हॉस्पिटल्स कुछ इनमें हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं, कुछ के अपने सेपरेट हॉस्पिटल्स भी हैं, जैसे औरैया का मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे उनका अपना खुद का सेपरेट हॉस्पिटल है। सोनभद्र मेडिकल कॉलेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, पीलीभीत भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, कानपुर देहात भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से है। तो इसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा कि अभी जो 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका क्या स्टेटस है और उनकी क्या चॉइस फिलिंग का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो इस डाटा को आप देख सकते हो हमारे नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारा डाटा जो है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा काउंसलिंग रिलेटेड सारी अपडेट जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। नीट शास्त्र के ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं, तो उसको जाके एक बार चेकआउट करिए। अगर एएफएमसी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एएफएमसी स्क्रीनिंग प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 30 न्यू मेडिकल कॉलेजेस के आने के बाद आपके कट ऑफ जो है उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर के मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर तक जितने मार्क्स पे मिला है कॉलेज इस बार भी उतने मार्क्स पे कॉलेजेस आपको मिल जाएगा, बट वही है कि नए कॉलेजेस में मिलेगा। रैंक की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से 13 नए मेडिकल कॉलेजेस आने के बाद जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीन कैटेगरीज में 1300 सीट्स जो है वो तो टोटल सीट्स हैं, ठीक है, उसका 85% आपका स्टेट कोटा में रहेगा। तो ये जो सारी की सारी सीट्स होने वाली हैं इसके वजह से मेरे हिसाब से 5000 टू 6000 रैंक तक या 7000 रैंक तक भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जो है वो नीचे आएगी।
एससी में मेरे हिसाब से ये 15,000 to 20,000 तक का इंपैक्ट कर सकता है, और एससी कैटेगरी में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, 25,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, क्योंकि एससी कैटेगरी कैंडिडेट जो होते हैं बहुत वेरिएबल होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो इस बात पर डिपेंड करता है। बाकी अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विसेज चाहते हो, पेड काउंसलिंग सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पे कॉल कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो, मैं आपकी पर्सनल काउंसलिंग करूंगा और सारे के सारे जितने भी टेक्निकलिटीज होंगे काउंसलिंग के कॉलेजेस के बारे में इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ये डाटा आपको मिल जाएगा नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल पर, और ऐप को जरूर डाउनलोड करें कॉन्स्टेंट रेगुलर अपडेट्स के लिए। चॉइस फिलिंग क्या हो सकती है उसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।